रचना फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू। बिग बॉस से निकल के लोगों का प्यार पाके, चार महीने जब हम किसी चीज को रोज करते हैं, रोज वही एंथम सुनते हैं, आदत पड़ जाती है उस चीज की, तो क्या कुछ मिस कर रही हो आप बिग बॉस के घर से निकल? बिग बॉस में मिस कर रही हूँ मैं सुबह का उठना, उसके बाद सूर्यदेव को पानी देना, एंथम पे डांस करना सोते सोते, और उसके बाद वो जो सोते थे बीच में मुर्गा बोलता था वो, क्योंकि अभी जैसे बीच में मुझे झपकी आ जाती है सोने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गा बोलने वाला है, क्योंकि वो अभी तक हमारे जहन में है। खाना बनाना, खाना खाना और राशन पे टास्क लड़ना, तो वो सब चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। क्या कुछ बदलाव हो गया आपकी लाइफ में आफ्टर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, शांत स्वभाव की हो गई, वैसे शांत नहीं हुई हूँ, वैसे शांत स्वभाव की हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जैसे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, आपने देखा होगा पहले एपिसोड का गुस्सा, और लास्ट तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ उस चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करूँ। जैसे सलमान सर ने मुझे बताया था कि आपको थोड़ी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो मेरठ वाली लैंग्वेज ना बोल के थोड़ा सा पोलाइटली मैं बात करूँ, देसी शब्द यूज़ करूँ, बट ज़्यादा नहीं, जैसे फाड़ दूंगी, मारते मारते मोर बना दूंगी, ये सब चीज़ें, तो मैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की सोच रही हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं अपने आप में चेंज करना चाहती हूँ। टॉप टू के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगी? लोगों का मानना है कि आपसे स्टैंड जीतिए, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था लोगों के लिए जब हाँ। बाहर आए ट्रॉफी लेकर। प्रियंका का मानना, प्रियंका चाहती थी लोग प्रियंका जीते, शिव जीते, आप जीते, बट एमसी स्टैंड जीत गए, बट आपको क्या कहना? देखो पता है क्या, ये शो वोट का है, अगर ये शो वोट का नहीं होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि घर में इन्वॉल्वमेंट का अगर हम बात करें तो मैं, प्रियंका और शिव ये टॉप थ्री में होने चाहिए थे, फिर चाहे कोई भी जीते उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब ये शो वोट का है तो देखो आपको भी पता है कि स्टार्टिंग से वोट एमसी स्टैंड को मिलती है, वो आ रहे थे उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे चीज़ों को, तो एमसी स्टैंड को ट्रॉफी मिली, ये हम लोगों ने मतलब उसको ऑल द बेस्ट भी बोला, बेस्ट ऑफ भी लक बोला, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे कि एक इलेक्शन में जब नेता को वोट मिलती है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता है, तो एमसी स्टैंड को ट्रॉफी मिली ये भी जनता के हाथ में था, हमने उनका सम्मान रखा और उसको सराहा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, नहीं हुई है, जो जनता का फैसला था वही चीज़ें हुई हैं। यस यस। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद टॉप 5 के जो भी कंटेस्टेंट हैं उनके एक एक करके वीडियोस आ रहे हैं, हाँ। वो भीड़ में जा रहे हैं, सेल्फियां खिंचा रहे हैं, आपके शायद में आपके जीवन में क्या चल रहा है आफ्टर बिग बॉस? देखो मेरे लाइफ में अभी ये सब चीज़ें लाइमलाइट चल रही है, और बस मैं वेट कर रही हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में कब जाऊँ, मेरठ कब जाऊँ, तो मे बी मैं 19 तारीख को जा रही हूँ, यानी संडे को मैं जा रही हूँ मेरठ, तो देखते हैं कि वहाँ की जनता का प्यार मुझे क्या मिलता है, वो मैं आपको सबको दिखाऊंगी। यस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे कितना प्यार किया है यार, मतलब आप लोगों ने, मैं जैसी हूँ कैसी भी हूँ, आपने मुझे वो पसंद किया है, मुझे बहुत प्यार मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहना और ऐसे ही हमेशा साथ रहना। घर के गेम की बात करें तो जी, एक ऐसा मोमेंट आया था जिसमें आपको घर से एविट कर दिया गया जी, शिव के साथ कुछ अनबन हो गया था आपका, बट आप वापस घर में आए, तो उस पे कुछ अलग ही रिएक्शन था लोगों का, कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ा, तो आपको क्या, आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखो वो एक मोमेंट था जब चीजें हुई, वो हो गया, बट हाँ वो चीज़ जब हुई थी तो मुझे भी लगा था कि यार मतलब मुझे बाहर निकाल दे, बट वहाँ का रूल था ये कि आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, बट सलमान सर ने, बिग बॉस ने, कलर्स ने और रैंडम होल ने और जनता ने मुझे बुलाया अंदर, वापस एक मौका दिया, और उस मौके पे मैं खड़ी रही, क्योंकि बीच में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी कि मैं रोक नहीं पा रही थी, मेरे को लूज़र ये सब चीज़ें बोली जा रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता था, बट मैंने कहा नहीं अर्चना, यही शो है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो मैंने किया, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने देखा होगा, शो में भी देखा होगा, मेरे में काफ़ी चेंजेस आए, देखो इंसान हूँ, गलती होती है, एकदम से नहीं आ सकते, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, बट अब मैं जब बाहर निकली हूँ तो एक ठहराव आ गया मेरी लाइफ में, तो आगे आगे मैं चीज़ें सीखूंगी ही। देखो उम्र से कुछ नहीं होता, मैंने एक चीज इंग्लिश में सुनी है, एज इज डजंट द मैटर, नहीं सॉरी, एज डजंट द मैटर, कुछ ऐसे ही सुना है मैंने एक इंग्लिश में, एज इज जस्ट अ नंबर,
हाँ, इज इज जस्ट अ मैटर, तो डजेंट मैटर, तो वो चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज कोई मैटर नहीं करता। अगर देखो 18 साल से कम तो है नहीं, क्योंकि 18 साल से कम होता तो बिग बॉस में एंट्री नहीं होती। 18 साल से वो ऊपर है, 19-20 साल का लड़का है, खुद के दम पे वो कमाता है, जनता का प्यार पाता है, सब कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे घर में उसको बच्चा ही समझा जाता था, चाहे वो कोई भी हो उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था। बट मैं नहीं करती थी, क्योंकि मैं हर इंसान को, चाहे वो साजिद जी हो, बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट करती थी। मैंने कभी ऐसा गलत उनको नहीं बोला, उन्होंने बोला बट मैंने उसकी रिस्पेक्ट की, मैंने अभी तक उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे वो फेवरेट हैं। तो मैं अब्दू को एक कंटेस्टेंट मानती थी, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि जब मैं सबके साथ में वो बिहेव कर रही हूँ, सबके साथ में कर रही हूँ, उसके साथ क्यों नहीं करूँ। क्यूट वो है, क्यूट मैं मानती हूँ, बट वो एज अ कंटेस्टेंट भी है। अगर वो गलत कर रहा है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा तुम गलत कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, भैया मैंने कंटेस्टेंट माना है। अगर बच्चा मानना था तो आपको मुझे बोलना होता था कि भैया बच्चा मानो, तो फिर मैं उस तरह से ट्रीट करती, बट मैंने उसको कंटेस्टेंट माना तो मैं उसको उस तरह से ट्रीट किया। जी मैंने निमृत को बोला था स्टार्टिंग में, निमृत मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस चीज़ से दूर होना, बट तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि एक होती है हमारे यूपी में अल्लड़ उम्र, अल्लड़ उम्र होती है जब इंसान को ना पता नहीं चलता कि वो क्या करता है, तो बस वही एक अल्लड़ उम्र था। बट हाँ, निमृत ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा और उस चीज़ पे काम किया। इनफैक्ट अब्दू जब बाहर गया था और अंदर आया था, अब्दू ने भी उस चीज़ को समझा और काम किया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस चीज़ पे काम किया, तो वो एक बेस्ट है। फुल धमाल हुआ। इनफैक्ट मैं सब लोगों से मिली, बहुत लोग आए हुए थे वहाँ पे, और मेरी लाइफ की पहली ऐसी पार्टी थी जिसमें सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं और मतलब मस्ती कर रहे हैं, तो मज़ा आ गया। राजकुमार राव मिले आपको, आपने जी फोटो अपलोड की, जी सेलिब्रिटी वो आपको सबसे पसंद है कि कोई और आपका कोई क्रश है? नहीं, ऑफकोर्स राजकुमार राव की मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, क्योंकि एक्चुअली वो ना डाउन टू अर्थ हैं। वो भी मुझे ऐसा लगता है, मैंने ज़्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं, बट जिस हिसाब से वो रहते हैं, जिस हिसाब से उनका बिहेवियर मैंने देखा, बहुत अच्छा, अच्छे से बात की, प्यार से बात की, तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही फैमिली से निकल के आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम बनाया अपने दम पर, डाउन टू अर्थ होके, तो मुझे वो एक इंस्पिरेशन टाइप लगे और मुझे वो बहुत अच्छे लगे जिनसे मैंने उनसे बात की, तो इट्स गुड। सबसे चतुर कौन था बिग बॉस के घर में? चतुर प्राणी मुझे शालिन बनोट लगते हैं। शालिन का नाम आपने ले ही लिया, हाँ। तो शालिन ने काफी अलग मुद्दा उठाया था, हाँ। जब टीना को उसने भेजा बाहर फिर वापस अंदर लाया, हाँ। क्या रिएक्शन था आपका? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या थी। जो वो एक अमाउंट होता था ना, मैं उसको ये नहीं देखती थी कि मतलब उसका है, इसका है, इसका है, मैं ये देखती थी सबका है, सबको उस अमाउंट की ज़रूरत है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाती थी, चाहे वो कोई भी टास्क होता था, मैं सोचती बेफालतू कि वो 25 लाख इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, आपके काम आएगा, कोई भी जीतेगा, किसी के भी काम आता था, तो मैं उस चीज़ पे बिहेव करती, तो मैं उस पर गुस्सा नहीं थी। बट जो उसने वो चीज़ पहले की तब तो ठीक है, फिर उसने वो चीज़ बाद में क्यों की? पहले ही कर देता तो शायद हम लोग इतने गुस्सा नहीं होते, हम सोचते ठीक है दोस्ती है, दोस्ती के नाते उसने दान कर दी चीज़ें, तो ये मंडली काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि आप भी मंडली का हिस्सा होती? मुझे ऐसा लगता है मंडली से ज़्यादा मैं पॉपुलर हुई हूँ, क्योंकि मैंने सिंगल खेला है, ना मैंने किसी पलटन का यूज़ किया, ना मैंने किसी मंडली का यूज़ किया, मैं अपने अकेले चलती रही बोल चाल में, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, बोल चाल में हाँ सौंदर्या से बात होती थी, प्रियंका से बात होती थी, टीना से बात होती थी, बट मुझे लगता था मैं अकेली शेरनी काफ़ी थी बिग बॉस में। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको अभी भी नहीं पसंद बिग बॉस के घर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सभी लोग बहुत पसंद है और सभी लोग फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं भैया मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, जिस रास्ते से तू जाएगा मैं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ऑफकोर्स मैं बात करूँगी और जब भी कभी इवेंट में मिले हाय हेलो करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। गिला शिकवा गया यार, बिग बॉस ख़त्म हो गया, अभी अपन उठते हैं आगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। जो कुछ भी अंदर था सिर्फ गेम के लिए? नहीं, गेम के लिए नहीं था, क्योंकि अगर गेम के लिए होता तो शायद मैं प्रियंका से बात नहीं करती या सौंदर्य से बात नहीं करती, बट जो मैंने गेम में
मेरी दोस्त थी, वो मैंने बोला था कि तुम लोग मेरे हमेशा दोस्त रहोगी, वो बाहर भी थे, आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने मस्ती की, फ़न किया, सारा चीज़ें, तो वो है। और स्टार्टिंग से मुझे नहीं था कि मुझे इसको बोलना नहीं, चीज़ें नहीं, तो गेम के लिए, मेरे लिए तो नहीं है, और किसी के लिए हो या नहीं हो, बट मेरे लिए नहीं है। बिग बॉस के बाद टॉप 5 की बात करें तो काफ़ी कुछ बदल गया आपके लाइफ में, प्रियंका को बड़ी बड़ी फिल्में मिल गई। हाँ, शालिन अगले ही दिन एक अपने शूट के लिए स्पॉट हुए जी। आपके कुछ अपकमिंग आने वाले हैं? हाँ, देखो कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा मिलना होता है ना, थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो मैं ही बची हूँ जो मुझे मिलने वाला है। तो मुझे लगता है जब भी मुझे कुछ मिलेगा ना, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, मेरे लिए स्पेशल बन रहा होगा या मेरे लिए स्पेशल होगा। कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? बस दर्शकों को मैं बोलना चाहती हूँ, आपने जो प्यार दिया ना यार, मज़ा आ गया, मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल कहर ढा दिया आपने मेरी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार किया, लव यू सो मच, थैंक यू। क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? अब तो हमारा अच्छा चलेगा, वही नज़र ना लगे यार आप लोगों को। थैंक यू सो मच।